पिकअप वगैरह बहुत बढ़िया है इसका, पता नहीं लगती गड्ढे वगैरह में, तुरंत पार हो जाती है। अच्छा, हमें लगता नहीं कि हम इलेक्ट्रिक चला रहे हैं। आपने भी कई बार सुना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर होने वाले हैं और उसकी शुरुआत टू व्हीलर से ही होगी। तो आज हमारे साथ इस बात को मानने वाले एक और कस्टमर जुड़े हैं जिनका नाम है सूरज चौरसिया जी। सबसे पहले स्वागत करता हूँ सूरज चौरसिया जी का। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। तो सूरज चौरसिया जी ने अभी अभी कुछ दिन पहले ये TVS की IQ इलेक्ट्रिक खरीदी है और इनसे आज बात करेंगे और जानेंगे इनका राइडिंग एक्सपीरियंस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ कैसा रहा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं इनके एक्सपीरियंस को जानने के बाद। तो सारी बातें होंगी यहीं पे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव मलिक आप सभी का स्वागत करता हूँ NBT ऑटो पे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो सूरज जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने ओला S1 Pro और एथर 450X को छोड़कर ये स्कूटर लेने का फैसला क्यों किया? सर, ये एक तो ब्रांड है TVS, इसके सर्विस सेंटर वगैरह हैं और इसमें फीचर्स थोड़े एक्स्ट्रा अच्छे हैं जी, और थोड़ा सा भरोसा है TVS का। तो आप इसको कितना चला चुके हैं अभी तक? अभी 500 चला दिया है सर। 500 किलोमीटर चला चुके हैं। और कितना आपको, कितना प्राइस पड़ा आपको इसका? ये 128 के आसपास पड़ा है सर, सब्सिडी लगा के। लगा करके। और वैसे इसका प्राइस क्या पड़ रहा था आपको? वैसे इस प्राइस 128 में से 17,000 माइनस होंगे सब्सिडी के। तो सूरज जी, अगर स्कूटर की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका फीडबैक क्या रहेगा? मतलब इसका सिटी में आपको राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा मिला, हाईवे पे कैसा मिला, और जो इसमें मोड्स हैं उनमें आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर, बहुत अच्छा है इसमें, वैसे सिटी में भी बढ़िया है और हाईवे पे भी बढ़िया है। अच्छा, तो आप ज्यादातर कौन से मोड में चलाते हैं? स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हैं। स्पोर्ट्स मोड पे। तो इकोनॉमिक मोड में आपको कंफर्टेबल नहीं रहती? हाँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता उसमें। क्यों? उसमें थोड़ी स्पीड 48 से ज़्यादा नहीं बढ़ती। अच्छा। हाँ, और स्पोर्ट में आप 90 तक ले जा सकते हैं। तो इससे पहले आपने कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया है? नहीं, इससे पहले नहीं चलाया। अच्छा, ये आपका फर्स्ट है? हाँ जी सर। और इससे पहले आप कौन सी स्कूटर चला रहे थे? इससे पहले सर टू व्हीलर में जुपिटर, एंटॉर्क और बाइक वगैरह थी। TVS की? हाँ जी सर। हाँ, अपाची थी। ठीक ठीक हाँ जी सर। आपको कितने की रेंज मिल रही है फिर इसमें? रेंज मिल रही है सर इसमें 90 के आसपास मिल रही है, मतलब इको मोड पे। इको मोड पे? हाँ जी। तो अगर ज़्यादातर स्पोर्ट्स मोड में, अगर स्पोर्ट्स में चलाएं तो 75 हाँ जी, मतलब कहीं ना कहीं रेंज कम हो जाती है। रेंज कम हो जाती है। ठीक है। और आपके, आपने इसकी पर मैं, हम मिक्स करके चलाते हैं दोनों। अच्छा। जैसे वैसे लोकल में वैसे चल रहे हैं, अगर हाईवे आ गया कोई बड़ा रोड है तो वहाँ पे हम चला लेते हैं स्पोर्ट्स पे, और वैसे इको पे चलाते। तो सूरज जी, इसका सस्पेंशन वगैरह कैसा है, अगर सस्पेंशन वगैरह की बात की जाए तो? सस्पेंशन बहुत बढ़िया है सर। कंफर्ट लगता है बहुत, बहुत ज्यादा। पेट्रोल से ज्यादा लगता है। पेट्रोल से ज्यादा लगता है जी। क्यों? एक तो वाइब्रेट नहीं होती। हाँ। और अपना स्मूथली चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं आप वो जो, जब आप IC इंजन चलाते हैं तो एक इंजन का साउंड होता है, आप मिस करते हैं? हाँ, वो तो मिस तो बहुत करते हैं, पता नहीं लगता कि क्या चला रहे हैं। पर इसमें बहुत जैसे सही है, एक तो शरीर के लिए भी सही है, ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होता, शोर शराबा नहीं होता, अपना सीधा चलते जाते हैं। अच्छा, आपने अभी कम्फर्ट की बात कर रहे थे, तो पिलियन के हिसाब से कम्फर्ट कैसा है स्कूटर का? बहुत बढ़िया है सर। पिलियन के साथ आपने कितने लोगों को बिठा के राइड किया? इसमें दो बंदे सर, दो से ज़्यादा। हाँ जी, ठीक है। और मतलब जो पॉटहोल्स वगैरह आते हैं, अब दिल्ली की सड़कों में थोड़ा सा जो लोकल एरिया होता है वहाँ पे पॉटहोल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया। पिकअप वगैरह बहुत बढ़िया है इसका, पता नहीं लगती गड्ढे वगैरह में, तुरंत पार हो जाती है। अच्छा, हमें लगता नहीं कि हम इलेक्ट्रिक चला रहे हैं। और सूरज जी, लाइट का थ्रो वगैरह कैसा है? लाइट का थ्रो सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दिखता है रोड पे इसका थ्रो। अच्छा। लो बीम और हाई बीम दोनों बढ़िया है। ठीक ठीक। तो अभी आप इसको लगभग 500 किलोमीटर चला चुके हैं। हाँ जी। अब IC इंजन में क्या होता है कि 500 किलोमीटर के बाद एक रेगुलर चेकअप के लिए जाती है। हाँ जी, हाँ स्कूटर एक रेगुलर चेकअप के लिए जाता हाँ है जी। तो क्या इसका भी कंपनी ने कुछ बोला है कि आपको इतने टाइम के बाद रेगुलर चेकअप? नहीं, इसकी 4000 किलोमीटर पर चेकअप होएगा। 4000 किलोमीटर? हाँ जी, हाँ जी। तो सूरज जी, इसमें बैटरी पैक कितने का मिलता है? सर, इसमें 3.04 का मिलेगा और 3 बैटरी है इसमें। 3 बैटरी पैक से? हाँ जी। और इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे? हाँ जी। मतलब कंपनी तो 5 घंटे का क्लेम करती है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर फुल चार्ज करें अगर इसे तो 7 घंटे तो लगेंगे, 7 से 8 घंटे। तो नॉर्मल होम चार्जर है उससे? हाँ जी, हाँ जी। तो कंपनी ने कुछ ऐसा सेटअप करके दिया है आपके घर पे कि फास्ट चार्जिंग हो सके इसकी? नहीं, ऐसा तो नहीं कराया सर, नॉर्मल 6 एम्पियर या 16 एम्पियर किसी में भी लग जाएगा ये। अच्छा। तो सर, इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं स्कूटर में? इसमें फीचर सर, एक पावर मोड है,
एक इको मोड है, रिवर्स भी है इसमें। अच्छा, इसमें रिवर्स पार्किंग भी है। हाँ जी, रिवर्स पार्किंग भी है। तो आपको वो फीचर कैसा लगा? वो बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। मतलब जब आप कहीं ज्यादा चलाते थे, हाँ जी, तो उससे ज्यादा फायदेमंद है, क्या लगा आपको? नहीं सर, पेट्रोल से ज्यादा फायदेमंद है, फीचर्स भी ज्यादा हैं, और एक तो पेट्रोल महंगा है, उस हिसाब से भी देखा जाए तो काफी बढ़िया है। तो इसमें आपको अगर ऐसे गणित लगाए थोड़ा सा, हाँ जी, तो पर किलोमीटर का मतलब पर रेंज पे, हाँ जी, आप एक बार चार्ज करते हैं तो कितना आपको पड़ जाता होगा ये? सर ये ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए किलोमीटर, 1-1.5 रुपए किलोमीटर पड़ता होगा। 1-1.5 रुपए, हाँ जी, हाँ जी। और मतलब पेट्रोल से बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा किफायती है, बहुत ज्यादा। ठीक है सर, तो आपको सर्विस का कॉस्ट नहीं है, पेट्रोल का कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल। और वैसे भी स्कूटर आपको बहुत कंफर्टेबल, अफोर्डेबल रेट पे मिल रहा है, कंफर्ट भी आपको पूरा मिल रहा है, बिल्कुल। तो कोई ऐसा फीचर जो आप चाहते थे कि कंपनी इसमें शायद ऐड करती तो ज्यादा अच्छा रहता? सर एक तो इसमें डिपर का थोड़ा सा है प्रॉब्लम। अच्छा, डिपर का, हाँ जी। और एक दूसरा इसमें ये है कि अगर इसमें एक साउंड वाला अगर कुछ होता सिस्टम साउंड का तो ज्यादा आर्टिफिशियल साउंड, हाँ जी सर, ठीक, आर्टिफिशियल अगर साउंड वगैरह होता तो ज्यादा अच्छा होता, बस बाकी तो इसमें सब चीज ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये स्कूटर किसी को रिकमेंड करना पड़े, हाँ तो आप रिकमेंड करोगे? हाँ जी बिल्कुल, ओला और एथर से तो बढ़िया अगर आप खुश हैं स्कूटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जब ये स्कूटर खरीदा तो आपको किसी ने रिकमेंड किया था या फिर आपने बस? नहीं सर, हमारे कई फ्रेंडों के पास है ये आई क्यूब, ठीक ठीक, और ओला एथर है नहीं किसी पे, तो उन्होंने बढ़िया इसके लिए रिकमेंड करा था, तो इसीलिए लिया हमने। अच्छा, हाँ जी सर। तो आपने अपने दोस्तों के हिसाब से, हाँ जी, रिकमेंडेशंस पे आपने थोड़ा सा इसको कंसीडर किया। एक भरोसा भी है, टीवीएस ब्रांड है, और ओला के लिए बता, कोई सर्विस सेंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर कुछ खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो उसे कहाँ लेके, ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी सब चीज़। उनका तो वही है ना कि घर पे आएंगे, पर सर वो फिर आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं है इनका। मतलब आप चाहते थे कोई ऐसा प्रोडक्ट देख रहे, हाँ जी, जो जिसकी लेगेसी हो थोड़ी सी, बहुत दिनों, बिल्कुल, बहुत सालों से इंडिया में इसका मार्केट। हाँ जी, अभी लेने के बाद कभी भी सर्विस सेंटर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है। तो सर इस स्कूटर को चलाते जब आप हैं, हाँ, तो कॉर्नरिंग वगैरह कैसी है? मतलब इजीली आप, कोई दिक्कत तो नहीं होती मोड़ने वगैरह में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ग्राउंड क्लियरेंस में भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, जैसे पेट्रोल की नॉर्मली मोड़ घुमा लेते हैं, मोड़ लेते हैं, वैसा ही है इसमें भी। चलो, मतलब उससे लाइट वेट फील होता है। लाइट वेट फील होता है, ठीक है सर। तो सर जब इसकी बैटरी लो हो जाती है, हाँ, तो कहीं ना कहीं जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती, हाँ, है। तो आपने इस चीज़ को फील किया है कि जब इसकी बैटरी कम हो जाती है, जैसे 20% से कम हो गई, हाँ, तो फिर आप किसी सर्टेन लिमिट तक ही चला सकते हैं, स्पीड तक ही चला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसकी बैटरी 10% भी है तो उसके बाद ऐसा कुछ फील नहीं होता, स्पीड वही नॉर्मली रहती है, पिकअप वगैरह सारा सेम रहता, सब सेम रहता, सेम रहता। तो दोस्तों ये था सूरज चौरसिया जी का राइडिंग एक्सपीरियंस जो उन्होंने इस अपनी टीवीएस आई क्यूब इलेक्ट्रिक के साथ जिया है। तो थैंक यू सूरज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही कस्टमर रिव्यू लाते रहें, इलेक्ट्रिक स्कूटर का, बाइक का या गाड़ियों का, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं हमें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।